वंदे मातरम दोस्तों, हमने अगले वीडियो लेक्चर में हमारा पहला चैप्टर यानी कि जो पहली इकाई थी चित्र के संग संग, जो एक चित्र पाठ था जिसके बारे में हमने अभ्यास कर लिया था, और साथ साथ वीडियो लेक्चर के साथ आपको स्टडी मटेरियल्स के रूप में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के जो उत्तर थे वह भी भेजे गए थे, जो आप लोगों ने सूचना के अनुसार अपनी हिंदी की जो बुक बनवाई है, जो बुक बनाई है उसमें आपने लिख लिए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमारा अगला चैप्टर यानी कि इकाई नंबर 2, जिसका शीर्षक है तब याद तुम्हारी आती है। तो दोस्तों एक कविता है, क्या है कविता है, तो एक काव्य जिसके सर्जक या तो लेखक राम नरेश त्रिपाठी। तो प्रस्तुत कविता में दोस्तों प्रकृति के बारे में यानी कि प्रकृति के जो सुंदर रूप होते उसके बारे में, जो सुबह के ताजगी भरे या तो सुंदर दृश्य को बड़े प्यार से यहां पर कवि ने लिया है। वैसे तो प्रकृति क्या होती है वो हम सब जानते हैं कि प्रकृति में ये धरती के सभी जो सुंदर रूप हमें मनोहर रूप दिखाई देते, जिसमें सूर्य चंद्र तारे हैं, ग्रह, उसके साथ साथ ये धरती, पहाड़, नदी, तालाब, सरोवर, समुद्र, इन सभी धरती के जो हरियाले, जो वृक्ष, पेड़, पौधे आदि सभी को हम प्रकृति कहते, और वह प्रकृति का निर्माण करने वाला खुद ईश्वर है या तो भगवान है। तो इस प्रकृति के एक मनोहर रूप को यहाँ पर हमें ईश्वर की याद कब आती है, जो काव्य का शीर्षक दोस्तों में दिया गया कि तब याद तुम्हारी आती है। तो दोस्तों प्रकृति के सुंदर रूप, वैसे कि सुबह के समय या तो प्रातः काल के समय में जब ताजगी भरे दृश्य हमारे सामने खड़े होते हैं, तब वह दृश्य हमें बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो सुहावने, तो सुंदर लगते हैं। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बहुत ही बड़ा हमें सुंदर या तो सुहावना लगता है। प्रकृति के इन मनोहर रूप जो हमारे मन को हर लेता है, ऐसा मनोहर रूप की रचना ईश्वर ने की है, तो भगवान ने की, और इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती है। क्या आती है कि भाई कवि को ईश्वर है, एक महान कलाकार है, इन्होंने ये सारी सृष्टि का सर्जन करके सुंदर रूपों को सजाया है, सुहावना हमारे लिए एक प्रकार से मनमोहक दृश्य का निर्माण किया है। तो ईश्वर सही अर्थ में एक सुंदर, एक बड़ा कलाकार है, एक महान कलाकार है, ऐसा कवि ने यहाँ पर ईश्वर को कलाकार के रूप में या तो महान कलाकार के रूप में भगवान की कवि को याद आ जाती है। तो इसी प्रकार का एक सुंदर वर्णन ये जो प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा प्रकृति के सुंदर, सुबह के, बरसात के, जो मनोहर रूप कैसे होते उसके बारे में यहाँ पर कवि ने अपनी कलम के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा सुंदर तरीके से उसे सजाया है, तो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा कवि का परिचय, जो राम नरेश त्रिपाठी है उसका परिचय पढ़कर उसके बाद ये कविता की जो पंक्ति है उसका भावार्थ हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोइरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे, कवि भी थे, उपन्यास भी लिखते थे, और साथ साथ
वह आलोचक भी थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला, यानी कि स्वप्न साहित्य के सर्जन पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का अवार्ड या तो पुरस्कार भी मिला। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, प्रार्थना जो बहुत प्रसिद्ध है, वो भी प्रार्थना राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। उनका निधन सन 16 जनवरी 1992 को हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों, सुबह का जो वातावरण होता है, सुबह का जो माहौल होता है, वह खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय है, तो देखने लायक होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आप ये जो कविता का वर्णन है, मैं आपको समझाऊं। जो आपको यहाँ पर जो साइड स्क्रीन पर एक कविता की पंक्तियां है जो देख सकते हैं, और उसे पढ़कर ये जैसे आपको मैं उसका भावार्थ करूँ, समझाऊं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो काव्य का आरंभ, शुरुआत होती है यहाँ से। कवि कहते हैं कि भाई, जब बहुत सुबह चिड़िया उड़कर कुछ गीत खुशी के गाती है। जो शब्दार्थ यहाँ पर कुछ लिखते हैं, चिड़िया यानी कि पंछी। बहुत सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाते हैं, कलिया दरवाजे खोल खोल कर। तो दोस्तों, कलिया क्या होता है कि भाई, जो फूल के खिलने से पहले का फूल, जिसे हम कली कहते हैं, फूल के खिलने से पहले का फूल कलिया। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, मुस्काना यानी कि हंसना, दुनिया पर मुस्काता है। फिर खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आदोड़ के लगाती है। क्या कहते हैं कि भाई, यहाँ पर खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगा, लहरें यानी कि जो तरंग, तो इसी प्रकार जो प्रस्तुत काव्य पंक्ति है, जिसमें हम इस प्रकार कहेंगे कि जब सुबह उठकर बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती, यानी कि चिड़िया भोर में, सुबह में तो प्रातः काल में उठकर इस तरह चहचहाने लगती है, बोलने लगती है, जैसे कि एक खुशी के वह कुछ गीत गा रही हो। कैसा लगता है कि चिड़िया सुबह में तो प्रातः काल में उठकर जब चहचहाने लगती है, बोलने लगती है, तभी हमें ऐसा लगता है कि भाई वह कुछ खुशी के गीत गा रही है, तो गीत सुना रही है। कलिया भी अपने दरवाजे यानी कि अपनी जो पंखुड़ियां होती है, तो कलिया जो ताजा खिला हुआ फूल की जो पंखुड़ियां, तो जैसी कलिया अपनी पंखुड़ियां खोल खोल कर जो ये सोती हुई दुनिया, सोते हुए संसार को जगाकर उस पर वह मुस्काने लगती है, हंसने लगती है, और खुशबू की लहरें फूलों में से, यानी कि क्या कहते जग, कलिया दरवाजे खोल कर दुनिया पर मुस्काती है, यानी कि दुनिया पर वह मुस्काने लगती है, और खुशबू की जो लहरें होती है, खुशबू की जो तहर जो तरंग होते हैं, वह फूलों में से बाहर निकलकर, उसकी जो सुगंध सुहास होती है, वह फूल में से सुबह में ये बाहर निकलकर चारों ओर फैल जाती है,
और इस सृष्टि को रचने वाला है प्रभु, यह सब देखकर मुझे याद तुम्हारी आती है। हे सृष्टि के सर्जनहार, यह सब देखकर मुझे याद तुम्हारी आती है। अर्थात मित्रों, हमें अपने गुजराती अंदर सरल रीते समझिए तो यू कही सके कि जयरे वेली सवारे पक्षी उड़ी ने एवी रीते कलरव करवा लागे कि जाने खुशी ना गीत गाई रहा हो, અને જ્યારે કળીઓ પણ પોતાના દ્વાર પોતાની પાંખડીઓ પંખુડીઓ ખોલી ખોલીને એ સુતેલી જે દુનિયા છે એના પ્રત્યે પોતાનું સ્મિત પોતાનું હાસ્ય છે એ વેરવા લાગે છે, અને જ્યારે એ ફૂલની જે સુગંધની જે મીઠી લહેરો છે, જે સુંદર લહેરો છે, એ ફૂલોમાંથી નીકળીને ચારો તરફ ફેલાઈ જાય છે, અને ત્યારે આ બધું જોઈને કવિને એવું લાગે છે કે સૃષ્ટિના સર્જનહાર હે ઈશ્વર મને તમારી યાદ। तो आप काव्य पंक्ति और यहाँ पर कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं। तो उसके बाद हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि को कब ईश्वर की याद आती है ऐसा हमें सवाल पूछता है दोस्तों, तो हम बता सकते हैं कि जब चिड़िया सुबह में उठकर जो चहचहाने लगती है, फूल खुशी के गीत गाने लगती है, और साथ साथ जो फूल है उसकी जो पंखुड़िया है यानी कि जो अपने दरवाजे खोल खोल कर वह अपनी सरस या तो सुंदर सुगंध मिठास जो सुवास चारों ओर सोती हुई दुनिया पर वह मुस्काने लगती है फैलाने लगती है, तभी हमें ऐसा लगता है कि हे सृष्टि के सर्जनहार हमें तुम्हारी याद आने लगती है, तुम बहुत बड़ा एक महान कलाकार है, इसे रूप में हमें तुम्हारी याद आती है। उसके बाद दोस्तों आगे की पंक्तियां है कि जब चमचम बूंदे गिरती है बिजली चमचम करती है, यानी कि जब बरसात की ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु आती है, तब आकाश में से जो जमीन पर या तो धरती पर जो बारिश की चमचम करती हुई बूंदे ये गिरने लगती है और बिजली चमचम कर जाती है, तब बिजली जब चमकती है मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, हरियाली यानी कि जब बारिश आती है तब मैदानों में धरती में वन में जंगल में सभी तरह वन बाग में हरियाली छा जाती है, हरियाली यानी कि सभी हरा भरा। क्या हो जाता है, सारा का सारा दृश्य से हरा भरा हो जाता है, और तब यहाँ पर कहते हैं वर्षा ऋतु में जब चमचम वर्षा की बूंदे गिरने लगती है और चमचम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों में वनों में बागों में हरियाली लहराने लगती है, उसके बाद जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, यानी कि मस्ती ढोना मस्ती आनंद, मस्ती तो आनंद। उसके बाद ढोना ढोना यानी कि बोझ उठाना, मस्ती ढोना यानी कि बोझ उठाना। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं फिर से कि भाई जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहीं से आ जाती है, क्या कहते हैं, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से पता नहीं कहीं से आ जाती है, तब अपने साथ सारी मस्ती सारी खुशी उठाकर वह लाती है। यह सब देखकर हे ईश्वर हे प्रभु ये सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आने लगती है, ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य जब हमें दिखाई देते हैं तब हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। जैसे कि फिर से दोस्तों एक बार बात करें तो संपूर्ण
आठों लिट्टी का एक साथ ये वर्षा ऋतु में चम चम कर जब वर्षा की बूंद गिरने लगती है साथ ही और चम चमा कर बिजली चमकती है तब मैदानों में वनों में बाग में बगीचे में सारी धरती पर हरियाली छा जाती है और साथ ही जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहीं पर से भी आने लगती है तब अपने सारी मस्ती ढोकर वहां पर लाती है तब हमें ऐसा लगता है कि भाई हे ईश्वर सृष्टि के सर्जनहार हमें तुम्हारी याद आ जाती है। तो अब फिर से हम गुजराती में इसे समझने का प्रयास करें तो दोस्तों ये आठों लिट्टों में इन आठों पंक्तियों के भाई वर्षा ऋतु में जैसे चमचम करता वरसादना टीपाओ से जमीन पर आवे से नीचे पड़े से वरसाद वरसे से अने त्यारे चमचम करीने बिजली पर चमके से त्यारे मैदानों नी अंदर वनों नी अंदर अने बगीचाओं नी अंदर हरियाली से चारों तरफ लहरावा लागे से चारे बाजू आपने लीलूचम हरियाळू ए देखावा लागे से अने त्यारे ठंडो ठंडो पवन पण क्यांकथी पोतानी साथे भरपूर आनंद लईने भरपूर मस्ती लईने आवे छे त्यारे हे सृष्टिना सर्जनहार हे ईश्वर मने तारी याद आवा लागे छे। बराबर तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आ प्रस्तुत काव्यना जे समझ से समझूती से एकदम सरल रीते सुंदर रीते प्रकृति नु सुंदर वर्णन अहीं प्रस्तुत आ काव्य ની અંદર આપવામાં આવ્યું છે। ત્યારબાદ મિત્રો આપણને અભ્યાસ ની અંદર કેટલાક પ્રશ્નો આપવામાં આવેલા છે જેના મૌખિક ઉત્તરો કઈ રીતે આપી શકાય છે આપણે કાવ્ય નો અભ્યાસ કર્યો કાવ્ય ના આધારે ના મૌખિક પ્રશ્નો ના ઉત્તર આપવા તો અહીં આપણે મૌખિક પ્રશ્નોત્તરી ની ચર્ચા કરી તો પહેલા સવાલ હે કે ભઈ સુબહ હોતે હી ક્યા ક્યા હોતા હે તો હમ બતા સકતે બાલ દોસ્તો કે સુબહ હોતે હી ચિડિયા ચહચહાને લગતી હે કલિયા ખિલને લગતી હે ખુશબૂ કી લહેરે ચારો ઓર ફેલ જાતી હે એસા કાવ્ય કે આધાર પર મેં ઇસ પ્રશ્ન કા ઉત્તર દેના હે। उसके बाद दूसरा सवाल है मैदानों में हरियाली कब लहराती है तो हम बता सकते हैं कि भाई वर्षा ऋतु में मैदानों में हरियाली फैल जाती है। तीसरा सवाल है आपको प्रभु की याद कब आती है तो हम कह सकते हैं तारे सूरज चांद चांद सागर पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और मनोहर रूप देखकर हमें प्रभु की याद ईश्वर की याद आ जाती है। फिर चौथा सवाल है तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो तो हम बता सकते हैं दोस्तों कि भाई हम सुबह में उठकर पूर्व दिशा में सूर्योदय होता हुआ देखते हैं, चिड़िया चहचहा रही है ऐसा दृश्य देखते हैं, साथ ही कलियां खिल रही है और लोग अपने अपने काम में जुड़ रहे हैं ऐसा सुंदर दृश्य हमें सुबह में उठकर देखते हैं। उसके बाद चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए दोस्तों एक वचन और को जैसे कि चिड़िया उड़ रही है तो हम उसका वचन परिवर्तन के रूप में क्या लिखेंगे चिड़िया उड़ रही है जैसे कि ये प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है और जिसमें कली नहीं खिलती है क्या है कि भाई कली नहीं खिलती है तो हम कह सकते कलिया नहीं खिली है तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है सो यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिखकर दोस्तों आपको लिख देता हूँ और साथ ही आपको स्टडी मटेरियल भी तो भेजूंगा कि भाई यहाँ पर चिड़िया उड़ रही है प्रश्न नंबर 3। चित्र को देखकर तो यहां पर पहला चित्र है चिड़िया उड़ रही है क्या है चिड़िया उड़ रही तो उसका हमें बहुवचन करना है उसमें एक चिड़िया है चिड़िया उड़ रही है एक से ज्यादा अधिक चिड़िया तो हम क्या कहेंगे बहुवचन हो जाएगा इसलिए ये एक वचन है सामने हम लिखेंगे चिड़िया उड़ रही है क्या करेंगे चिड़िया उड़ रही है
क्या है ये एक वचन है और यहाँ पर अर्धचंद्र कर करके हम उसे चिड़िया का बहुवचन हो जाता है। कली नहीं गिरी है, कली कलिया नहीं गिरी है, कलिया नहीं गिरी। तो यहां पर कलिया बहुवचन हो गया। फिर बूंद गिरती है, बूंद गिरती है, तो बूंदे बहुवचन में बूंदे हो जाएंगे। दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है, यहां पर क्या हो जाएगा, दरवाजे खुले। अगर एक दरवाजा है तो दरवाजा बनेगा एक से अधिक है तो उसका बहुवचन में यानी कि वचन परिवर्तन के रूप में दरवाजे शब्द हो जाएगा। फिर सामने एक लड़कियां खेल रही है तो क्या कहेंगे, लड़की खेल रही है, उसका बहुवचन क्या होगा, लड़कियां खेल रही। तो इसी प्रकार दोस्तों एक वचन से बहुवचन जो आपके चित्र में दिया उसके आधार पर आप अभी प्रयास करके अपने तरीके से उसका वचन परिवर्तन के रूप में से लिख सकते हैं। उसके बाद आगे का जो तीसरा सवाल है, तो दोस्तों यहाँ तक ये अभ्यास के दो प्रश्नों के साथ ये जो प्रस्तुत वीडियो लेक्चर है हम यहाँ पर रखते हैं, और उसके बाद का जो अगले वीडियो लेक्चर में जो अभ्यास के प्रश्न नंबर 3, 4, 5 और स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हमें यहाँ पर दिए गए उसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। और साथ ही ये वीडियो लेक्चर पहला पार्ट है, अगर उसके बाद का जो दूसरा पार्ट आएगा तब ये हमारा दूसरा काव्य पूर्ण हो जाएगा। और काव्य पूर्ण हो जाने के बाद मैं आपको जिस प्रकार पहले चैप्टर के वीडियो लेक्चर के साथ जो पीडी मटेरियल्स और स्टडी मटेरियल्स जो आपको भेजा, उसी प्रकार ये दूसरा चैप्टर पूर्ण हो जाने के बाद, जैसे कि अगले साल भी होता था उसी प्रकार पूरा चैप्टर पूर्ण हो जाने के बाद आपको स्टडी मटेरियल्स में आपको भेजूंगा, जिसमें से आपको जो अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न आपको दिए गए उसको आप अपनी जो हिंदी की आपने बुक बनाई है उसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर सुंदर अक्षर से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 पूर्ण करते हैं। थैंक यू।